इस ट्यूटोरियल में हम ये बहुत इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इट सेज फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया बोला गया है एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर। ओके, अब हेमिस्फेयर क्या होता है, पहले हेमिस्फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। रेडियस इसका गिवन है 21 सेंटीमीटर। देखो मेरे पास कोई भी एक स्फेयर हो, जैसे ये स्फेयर है एक, ठीक है। स्फेयर मतलब जैसे बॉल शेप का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल राउंड ऑब्जेक्ट एक होता है बॉल शेप का, उसको बोलते हैं स्फेयर। अब इसका ये जो ओवरऑल जो सरफेस है बाहर, जिसको ये मैंने ब्लैक लाइंस लगा रखी हैं, ये हो गया इसका सरफेस एरिया। स्फेयर में तो एक ही सरफेस होगा, ठीक है, ये बाहर वाला। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल बीच में से दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दूं तो ये एक हेमिस्फीयर बनता है। हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फेयर, ठीक है। तो आधा स्फीयर जब बनेगा तो उसको आप ध्यान से देखो तो एक तो उसका ये कर्व्ड पोर्शन बन गया और एक बीच में उसके ये सर्कुलर रीजन भी आ जाएगा, ये वाला एक लेयर और आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हेमिस्फीयर के एक तो ये जो कर्व्ड रीजन है इसका सरफेस एरिया निकालना है और एक टोटल का मतलब ये कर्व्ड सरफेस एरिया में आप ये जो बीच में इसके एक सर्कल बन जाता है, साथ में एक लेयर और बन गई, इसका एरिया साथ में ऐड करना है और वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। हमें हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो मेरा स्फीयर था उसका जो टोटल एरिया है उसको अगर मैं हाफ कर दूं, मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये मेरे पास स्फीयर है और ये इसका सरफेस एरिया हो गया। अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ तो ये जो इसका कर्व्ड सरफेस बच गया ये आधा है टोटल स्फीयर का, तो ये कितना हो गया, हाफ ऑफ टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। अब टोटल एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसको मुझे 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 2 पाई r स्क्वायर। मैंने पिछले ट्यूटोरियल में भी बताया था, इसमें भी बताता हूँ कि एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो सेम रेडियस के अगर मैं 4 सर्कल्स बनाऊँ, 4 सर्कल्स, तो उनके एरिया के बराबर होता है 4 टाइम्स पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया। तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4 टाइम्स पाई r स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स पाई r स्क्वायर। तो इसमें हम 2 × 22/7 पाई की वैल्यू ये डाल देते हैं और आर हमें कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 21 × 21, तो यहाँ से मेरे पास 3 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ये तो हो गया मेरा पहला आंसर। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इसका बेस जो बना उसका एरिया, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी निकाल लिया 2772 प्लस बेस का एरिया कितना होगा। अब बेस पे इसके सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस भी r है, ठीक है। बिल्कुल बीच में से काटा है तो ये जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस भी r ही होगा, क्योंकि स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है। तो ये सर्कल का भी रेडियस r होगा और ये सर्कल बन गया, तो इस सर्कल का, इस सरफेस का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सो बेस का एरिया हो गया मेरा पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 2772 प्लस पाई 22/7 × फिर से 21 × 21, तो ये मेरा 3 आ गया और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.